जी विवर अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में जो प्रोफेसर कमीशन का इम्तहान देने वाले कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से बात की थी और उनमें ज़्यादातर हमने बात ये की कि वो स्टूडेंट्स क्यों नाकाम होते हैं या किस किस्म के स्टूडेंट होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा कि जी वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि जब आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये नहीं कि जब ऐड आ जाएगा तो आप उस वक्त तैयारी शुरू करेंगे। ये तैयारी जो है ये 4-6 महीने साल पहले शुरू करना होती है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो कंसिस्टेंसी है, मतलब मुस्तकिल मिजाजी है। ये नहीं कि कभी कोई बुक उठा ली और कभी को थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो इस तरह नहीं है। ये मुसलसल एक कोशिश करना पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ नॉलेज को बढ़ाना पड़ता है और फिर जाके बंदा ये वाले इम्तहान दे सकते हैं। इन इम्तहान की जो क्वालिटी है, इनका जो क्वेश्चन बैंक है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है और इसमें कोई शुबा नहीं है। इसकी क्वालिटी पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छे पेपर होते हैं, इनकी सिलेक्शन का मेयार बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये है कि आप थारो स्टडी करें। कुछ लोगों का या स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में टिक लगानी है, खाली टिक लगाएंगे, 4-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये चारों जो ऑप्शन होते हैं वो बड़े क्लोज होते हैं और जब तक आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं तो आप उसको टिक लगा के नहीं कर सकते। ये खाली लक पे नहीं होता। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जी खाली टिक लगा के आप पास हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि डेप्थ ऑफ नॉलेज, हमने वैसे तो एम ए या एम फिल वगैरह भी किया होता है, एम एस सी की होती है, लेकिन हमारे पास जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है, बेसिक्स जो है वो नहीं होती। वो जो सवाल आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं, वो बेसिक्स के सवाल होते हैं, वो डेप्थ ऑफ नॉलेज देखी जाती है जो हमारे पास नहीं है। तो ये है कि आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हल करने के लिए थारो स्टडी करना पड़ती है। जब आप थारो स्टडी करेंगे तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो अच्छा होगा। इसी तरह बहुत सारे कैंडिडेट जो वो कहते हैं कि हमारा रिटर्न टेस्ट तो पास हुआ था, फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए, शायद कोई सिफारिश लग गई, करप्शन हो गई, ये हुए। हालांकि ऐसा नहीं है। एक सीट के अगेंस्ट 4 या 5 या 6 बंदों का इंटरव्यू होता है। अगर 10 सीटें हैं तो 50-60 बंदा इंटरव्यू देते हैं। तो आपने टॉप 10 में आना है। बंदे तो 10 सेलेक्ट होंगे, तो बाकी जो 40-50 है, जाहिर है डेफिनेटली वो क्वालिफाई नहीं करेगा या फाइनल मैरिट बनेगा। तो जब भी आप रिटर्न टेस्ट दें, आप कोशिश करें कि आप जितनी सीट्स हैं उतने नंबर पे तो रहें। अगर 10 सीटें हैं तो टॉप 10 में आपको रहना है। जब रिटर्न में टॉप 10 लेंगे तो फिर मुमकिन तौर पर आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप इंटरव्यू में उतने नंबर लेके आपकी पोजिशन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब होता यही है कि वो लोग जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं रिटर्न टेस्ट में, लेकिन इंटरव्यू में या फाइनल सिलेक्शन में नहीं आते, तो फिर वो कहते हैं कि शायद कोई मेरिट सही नहीं बना, कोई करप्शन हुई है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उनका जो रिटर्न टेस्ट है उसमें नंबर उतने नहीं थे। फर्स्ट करें एक बंदा 10 सीटें, एक नंबर बंदा जो है वो 11वें नंबर पर भी होगा तो उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो ज़ाहिर है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपने थारो स्टडी करनी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है और ये इधर उधर की बातें छोड़ के मेहनत करनी है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो सकती है। एक इसमें पॉइंट और भी है कि हमेशा जो मुकाबला होता है वो टॉप जो 100-200 कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के दरमियान हो रहा होता है। बाकी जो लोग हैं, बेशक उसमें जी 60,000 एप्लीकेशन आई हैं, 10,000 एप्लीकेशन आई हैं, वो सारे लोग अप्लाई करने वाले होते हैं। उसमें वो कैटेगरी होती है जो मैंने पहली वीडियो में बताई थी कि जी कोई सीटें देख के किसी ने अप्लाई कर दिया होता है, कोई कहता है सीटें पहले बिक चुकी है, कोई उस रात जो है वो किताब उधार मांग रहा होता है, और कुछ को वालदैन ने कहा होता है चलो अप्लाई कर दो, कुछ खाली किस्मत के सहारे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इस दफ़ा जाके देखते हैं कि पेपर कैसे आते हैं। ये ट्राई करने वाले भी बहुत सारे उसमें होते हैं, तो इससे नहीं घबराना चाहिए कि लोग कितने ज़्यादा हैं।
क्योंकि असल जो मुकाबला है वो टॉप स्टूडेंट्स के दरमियान ही हो रहा होता है हमेशा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने टॉप स्टूडेंट्स में आना है और फिर टॉप के हिसाब से भी जो सीट्स अवेलेबल हैं उन सीट्स में आना है। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर 10 सीट्स हैं तो आपने टॉप 10 में आना है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन जो है वो यकीनी है। थैंक यू।